So, hey guys, welcome to Learning Elementary. Welcome to another video of Java tutorials. So today we are going to see what are conditional constructs in Java. So first of all, अगर हम देखें तो condition ये होता है कि जैसे दो choice, जैसे अगर मैं एक example दूँ तो आपको election के वजह से होता है कि अगर कोई बंदा 18 से above है तो वो vote दे सकता है या फिर नहीं। वही अगर हम सिस्टम में एग्जीक्यूट करेंगे तो वो एक कंडीशन जैसे एंटर योर एज मांगेगा, उसके बाद वो एग्जीक्यूट करेगा। अगर 18 से कम है तो फॉल्स, 18 से ट्रू है, 18 से ज़्यादा तो ट्रू, यानी वो वोट दे सकता है, यानी वो वोट दे सकता है और इसमें वो वोट नहीं दे सकता। तो यही होता है कंडीशन। तो अगर मैं इसको सिंपली कोड करूँ तो मेरा मेरा आईडी cc1 में आईडी आई एम यूजिंग इज ब्लू है। सो पहले हम देखेंगे इम्पोर्ट जावा डॉट यू टी आई डॉट स्कैनर की, मैं स्कैनर क्लास से इम्पोर्ट करूँगा इम्पोर्ट जावा डॉट यू टी आई डॉट स्कैनर पब्लिक क्लास cc1 पब्लिक स्टैटिक यहाँ पे मैं एक मेंबर वेरिएबल क्रिएट कर देता हूँ जिसका नाम है ओम या फिर लर्निंग एलिमेंट एली डाल देते हैं। तो इसको न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट आई एन। तो अब हम इनपुट लेंगे तो इनपुट हम सीधा अगर मांगेंगे तो यूज़र को पता नहीं चलेगा। तो अच्छा ये तो यूज़र इंटरफेस को अच्छा बनाने के लिए हम मांगेंगे ये एंटर योर एज। तो सिस्टम अब वही हम यहाँ पे जैसे int एज लेंगे तो अब मेंबर वेरिएबल को हम यूज करेंगे le.next.int। ये हमने यहाँ पे इनपुट करवा दिया। अब हम कंडीशन का काम करेंगे, जैसे if age is greater than equal to 18, इसको कॉपी कर लेता हूँ, age is greater than 18 you can vote else you cannot vote। तो ये एक सिंपल सा एग्जांपल आपको रन करके दिखा देता हूँ। तो अगर जैसे मैं इसमें एज एंटर करूँगा 23 तो यू कैन वोट, और अगर मैं दोबारा से एज एंटर करूँगा मैं 11 यू कैन नॉट। यही होता है कंडीशन। एक आपका ट्रू होता है, एक फॉल्स होता है, तो उसी के हिसाब से वो ब्लॉक ऑफ स्टेट में एग्जीक्यूट करते हैं। तो आज की इस वाली वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगे, तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। हम मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।